आज देश भर में मनाई जा रही है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। सभी राजनीतिक दलों ने किया बापू को याद, जगह जगह किया जा रहा है कार्यक्रमों का आयोजन। आज के दिन शांति का संदेश देने के लिए सैकड़ों कैदियों को किया जाएगा रिहा। गृह मंत्रालय ने तैयार की सुधार करने वाले कैदियों की सूची। महात्मा गांधी की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा आज। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाएंगे पीएम, गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ चरखा गैलरी का भी करेंगे भ्रमण। देश भर के 10,000 सरपंचों को संबोधित करने का भी रखा गया है कार्यक्रम। बापू की जयंती पर पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी निकालेंगी यात्रा। महाराष्ट्र के वर्धा में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा। यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ता होंगे शामिल। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। गांधी संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत। 3 महीने तक अलग अलग राज्यों में गांधी यात्रा निकालेगी बीजेपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता होंगे कार्यक्रम में शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, नीतीश और नीलेश राणे। मंगलवार को नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कांग्रेस विधायक पद से दिया था इस्तीफा। राणे परिवार की बीजेपी में एंट्री से शिवसेना के तेवर तल्ख होने तय। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कसी कमर। बीजेपी के बाद आज इनेलो भी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। पहली सूची में करीब 50 प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है पार्टी। अभय चौटाला ने किया जीत का दावा, कहा इनेलो की सरकार बनते ही सूबे में किए जाएंगे किसानों के कर्ज माफ। उत्तर प्रदेश में अवकाश के दिन योगी सरकार ने पहली बार बुलाया विधानमंडल का विशेष सत्र। आज सदन में विकास के 17 लक्ष्यों को हासिल करने पर भी की जाएगी चर्चा। सभी विधायक रखेंगे अपने अपने क्षेत्र की परेशानियां। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने किया सत्र का बहिष्कार, कहा योगी सरकार कर रही है दिखावा। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करेंगे कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात। रक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कल विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से हुई थी बात। एस जयशंकर ने रूस से रक्षा सौदे को लेकर अमेरिका को दिया था 2 टूक जवाब। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 14वीं टेस्ट सीरीज आज से होगी शुरू। विशाखापट्टनम में होगा 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज। 4 साल के हार के इतिहास को पलटने के लिए मैदान में उतरेगी कोहली ब्रिगेड। 2015 से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने नहीं जीती है कोई भी टेस्ट सीरीज। कोहली के धुरंधरों पर टिकी सभी की निगाहें। और लंबे इंतजार के बाद आज बड़े पर्दे पर रिलीज होगी 1 साथ 3 फिल्में। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार, अमिताभ बच्चन की सेरा नरसिम्हा रेड्डी और सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर बनी फिल्म गुमनामी बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। वार और सेरा नरसिम्हा में हो सकती है कड़ी टक्कर।